फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंकज एंड साधना की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे बेसन के पिटोर की सब्जी। हाँ जी दोस्तों, बेसन के पिटोर की सब्जी कैसे बनाएं राजस्थानी स्टाइल में। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि हम बेसन के पिटोर की सब्जी कैसे बनाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। चार लोगों के लिए बेसन की पिटोर की सब्जी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक बड़े कप में एक फुल कप बेसन। इसमें अब दोस्तों इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच से भी आधी रेड मिर्च, लाल मिर्च, दो चुटकी इसमें डालेंगे हल्दी और दो चुटकी इसमें डालेंगे हम नमक। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे ढाई कप पानी। और दोस्तों अब इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो हमें तब तक मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे करके, तब तक कि इसके अंदर की गुठलियां ना बने और गुठलियां सारी खत्म हो जाएं। तो दोस्तों अब हमारा घोल जो हो गया है पूरा रेडी। अब इसमें एक भी दाने गुठलियां नहीं बचे हैं। तो अब हम इसको रख देंगे और अब चढ़ा लेंगे फ्राइंग पैन गैस में और इसमें डालेंगे तेल फ्राई करने के लिए। ये हल्का सा डाल लिया हमने तेल और अब इसमें डालेंगे जीरा, थोड़े से जीरा डालने हैं आधा चम्मच। और इसमें अब डालेंगे हल्का सा हम हींग आधा चम्मच से भी आधी। अब दोस्तों इसको कर देंगे अच्छे से फ्राई। तो दोस्तों अब हम अपने घोल में डाल देंगे दो हरी मिर्च कटी हुई ये, और डालेंगे धनिया पत्ती और इसको फिर से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो दोस्तों अब हमारा फ्राइंग पैन हो गया रेडी, हमारे जो है जीरा एकदम से हो गए हैं ब्राउन। तो चलिए अब इसको हम इसमें डालते हैं। यस दोस्तों, इसको हम अब गाढ़ा होने तक पकने देंगे, इसको चलाते रहें ताकि ये जम ना जाए। बिल्कुल इसको हम गाढ़ा कर देंगे पका पका के। दोस्तों अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये हमारे फ्राइंग पैन में जम नहीं जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा और हमारी जो कतलियां हैं वो अच्छे से बनेंगी नहीं, बेसनी कतली। तो इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है ताकि ये इसकी सतह में बैठने नहीं पाए। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन का जो पेस्ट है गाढ़ा हो गया है और पक रहा है। अभी हम इसको और पकने देंगे जब तक ये जो छोड़ने लग जाए कढ़ाई को अपने आप। तो दोस्तों देखिए, अब पेस्ट हमारा कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, पूरा निकलने लग गया है, अभी रेडी हो गया है निकालने के लिए। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और इसको कतली के शेप का, जी हाँ, जैसे आपने मिठाई देखी हुई काजू कतली, उस शेप में इसको काट लेंगे। तो चलिए थाली में निकालते हैं इसको हम। तो दोस्तों हम लेंगे एक बर्तन जिसमें आपको निकालना है पेस्ट, उसमें लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि ये अपने नीचे बेस सतह में चिपके नहीं। अब पेस्ट को डाल लेंगे इसमें
ये देखिए दोस्तों, अब इसको चारों तरफ इसके फैला देंगे। आप इसकी थिकनेस जो मोटाई है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे काजू कतली मिठाई देखी होगी आपने उतना मोटाई इसको बना सकते हैं, जितना आप मोटाई रखोगे उतना बढ़िया बने। देखिए रेडी, अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों हमारे पिटोले हो गए ठंडे, अब इनको देखिए हम कट करेंगे। हमें कट करना है काजू कतली के शेप का। ये देखिए पहले हम इसको स्ट्रेट काट लेंगे, डायमंड शेप का इसको कट करेंगे। स्ट्रेट काट के अब इसमें टेपर तिरछा कट लगाएंगे। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारे कतली के शेप कट रहे हैं, जैसे आपने मिठाई देखी होगी काजू कतली, आप भी ऐसे ही कट कर लें। ये देखिए कितने बेहतरीन काजू कतली के शेप के निकल आए हैं अब पितौले हमारे, बहुत ही यम्मी पितौले निकल आए हैं। और ये हो गए रेडी कट के सारे। तो दोस्तों अब हम सब्जी के लिए अपनी ले चलो मसाला रेडी करते हैं। तो हम लेंगे 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर, और इनको अब हम कर लेंगे ग्राइंड एक ही साथ। तो दोस्तों टमाटर और मिर्च देखिए हमने एक साथ डाल के ग्राइंड कर दिया है, और ये हो गया ग्राइंड ग्राइंड, एक कटोरी भर बन गया पूरा। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं और क्या क्या मसाले लेने हैं हमको। तो दोस्तों चलिए अब अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, फ्राइंग पैन ले लेना है, चढ़ा लेना है गैस में, उसमें ऑयल डाल देना है। और अब हमें क्या करना है, आधे चम्मच डालने हैं जीरा, ओके, और आधे चम्मच से भी आधी हमको डालने इसमें हींग। और अब दोस्तों डालेंगे अदरक का पेस्ट, अदरक एंड लहसुन का, ये भी हमें डालना है आधा चम्मच। हल्की से डालेंगे लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी। अब दोस्तों इसमें डालेंगे हम अपना टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। अब इसको दोस्तों हम पकने देंगे तब तक जब तक इससे तेल पूरा निकल ना जाए, अलग ना हो जाए, पूरा ब्राउनिश हो जाएगा हमारा ये। दोस्तों इसको पकने देते हैं। अब इसमें नमक आप डाल दोगे स्वादानुसार। दोस्तों देखिए हमारा ग्रेवी पक गया है, इसमें हम हल्का सा धनिया पाउडर डालेंगे, अब इसको चला देंगे अच्छे से। हमने इसको पका लिया है थोड़ी सी, और देखिए ब्राउन हो गया। अभी इसमें दही में हल्का सा, ये देखिए दही में हल्का सा पानी डाल के अब इसमें अपनी ग्रेवी में धीरे धीरे डालेंगे। इसको चलाते रहेंगे। धीरे धीरे चलाते चलाते डालें इसमें, नहीं तो दही फट जाएगा तो आपकी सब्जी बेकार हो सकती है। अब इसको लगातार चलाते हुए इसको हम गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच,
और फिर चलाएंगे और पकने देंगे। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी हो गई रेडी, अब इसमें डालेंगे पानी। आप पानी डालेंगे अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। जैसे हम चार बंदों के लिए बना रहे थे तो हम डालेंगे इसमें 3 कप पानी, फुल कप। इसको चला देंगे और पकने देंगे थोड़ी और। दोस्तों हमारी ग्रेवी का पानी पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पितौड़। जितने पितौड़ हम इसमें डाल देंगे, चार लोगों के लिए हमने बनाए थे, चार लोगों के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें। दोस्तों अब इसको हम चला देंगे और ढक देंगे और ढक के इसको हम 5 मिनट और पकने देंगे। अभी ये देखिए 5 मिनट और पकेगा। तो दोस्तों हमारी पिटोल की सब्जी हो गई है रेडी, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। वाओ लुकिंग सो यम्मी। तो दोस्तों ये हो गई रेडी हमारे बेसन की पिटोल की सब्जी, अब चलिए करते हैं इसका हम टेस्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको बताता हूं कि हमारी जो बेसन के पिटोली की सब्जी है वो कैसी बनी है। लाजवाब लाजवाब, बेहतरीन, बहुत मस्त, सो यम्मी, इतनी मस्त सब्जी बनी दोस्तों। और खाओ, जब भी बनाओगे ना खाओगे याद रखोगे मेरे चैनल को आपने क्या डिश बनाई थी, सो यम्मी। तो आप भी बनाओ और खाओ इसको और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं एक बार कि हमें बेसन के पितौड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है।